हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेवी रॉक सीम्स। यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा रोमा वर्सेस मोंजा के बीच सीरी ए लीग का दोपहर 4 बजे या शाम मान लो, ठीक है। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें इस मैच की, देखिए ये मैच एक्चुअली ईजी बहुत था। सीरी ए लीग का जैसे मैच की अगर आपने शुरुआत करनी है ना सीरी ए लीग से, तो मैं कहूँगा ये बेटर मैच है, क्योंकि रोमा एक इन फॉर्म ऐसी टीम जिस पे ग्रेट खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है, और सामने एक ऐसी टीम जो कि इन फॉर्म तो है जो रोमा के आगे घुटने टेकेगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, रोमेलू लुकाकू इज़ अ ग्रेट प्लेयर। रोमेलू लुकाकू के अंदर बहुत क्षमता है अच्छे अच्छे गोल्स करने की, जबकि ये खिलाड़ी मुझे बीच में ऐसा लगा था कि बिल्कुल फिनिश हो चुका है, लेकिन नहीं, इसने वो चीज़ एकदम झूठी मतलब ठुकरा दी इसने वो चीज़ और अच्छी परफॉर्मेंस करता गया। डिबाला की बात करें, डिबाला इन फॉर्म खिलाड़ी तो है, लेकिन इनका ना समझ नहीं आता, जिस दिन आप लुकाकू को कप्तान रखोगे उस दिन डिबाला कई बार ज़्यादा गोल कर जाता है, और जिस दिन डिबाला को रखोगे वो तो कई बार नीली चले जाता है बिना गोल करे। तो इसलिए मेरे को ना ये लग रहा है कि मैं कप्तान तो देखो लुकाकू को रखूँगा, वाइस कप्तान डिबाला रहेगा, लेकिन अगर ऑपोजिट कुछ हुआ तो मैं दो टीम्स के साथ भी जा सकता हूँ इस मैच में, ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिट करके कप्तान वाइस कप्तान। उसके बाद बेलोटी की जहाँ तक बात रही, खेलेगा तो दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है, क्योंकि बेलोटी पिछले मैच में देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट आया था और गोल कर गया। अगर इन प्लेइंग होगा तो हो सकता है मैं ले लूँ, क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मोंजा टीम से मुझे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मेरे को एक्सपेक्टेड है एजमन से, मुझे एक्सपेक्टेड है गाइस बेलोटी से, लुकाकू से, डिबाला से, मुझे ये टीम अच्छी लग रही है। वो टीम तो आपको पता है इब्राहिम इंजर्ड है, इब्राहिम की इंजरी के बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन कहाँ कौन कर सकता है यार। ऑपोजिशन टीम की बात करें, एल कोलोम्बो हो गया, कभी कभी चलते यार ये, डी मोटा हो गया, जी कैप्रेरी अच्छा है, जी कैप्रेरी की तो मतलब वापसी नहीं हो रही, नहीं तो वो वहाँ से मात खा रहा है, कैप्रेरी खेले तो बात ही अलग है। बात करें मिडफील्डिंग, एल पेलेग्रिनी इंजर्ड गाइस, इंजर्ड, आई थिंक जिनको नहीं पता वो शौक होंगे कि पेलेग्रिनी नहीं खेल रहा, तो हमें क्रिस्टेंटे को लेना पड़ेगा, और क्रिस्टेंटे का डोमेस्टिक लेवल रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ इस बंदे ने पता नहीं क्या खाया था सितंबर के महीने में, जो रुक ही नहीं रहा है गोल करने से, तो मैं इसको लूँगा। एंड एल पैरेट्स की अगर बात करें तो आप यू कैन गो विद पैरेट्स, बट एच ओवर पिछले मैच में दिक्कत की घड़ी बन गया था कई लोगों के लिए, तो एच ओवर भी अच्छा है और पैरेट्स भी अच्छा है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। लेकिन अभी मैटियो पेसिना को लो, ठीक है, उनकी टीम का, और उनकी टीम का एक प्लेयर जिसका नाम है रॉबर्टो, इसके साथ जाओ, ये दोनों बहुत मेन है। इसकी जगह कहीं सोचने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलेंगे ना कि तूने विग्नेटी नहीं लिया, विग्नेटो ने क्या किया, बस पिछले मैच में गोल किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गाइस, ठीक है। और पी क्यूरा पहले अच्छा था, पिछले साल तो जान छिड़कता था मैं इस खिलाड़ी पर, इस साल नहीं वो चीज़ दिख रही, और इसलिए मैं एल पैरेट्स को लूँगा। अभी आगे से बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, तो एल स्पिनजोला के बाद जो अगला प्लेयर है दैट वाज मैंकिनी के बाद पिछले मैच में तो इसने भी असिस्ट कर दी थी अपना रिक ने, तो रिक भी बहुत अच्छा खेला था। और एक प्लेयर हम और बढ़ाने को देखेंगे लाइनअप्स के बाद, क्योंकि अभी कौन खेलेगा कौन नहीं ये अभी जज नहीं कर सकते। और बात करें यहाँ पर हम जो मोंजा का एक प्लेयर सेव कर रहे हैं लुका को, बात करें गोलकीपर की तो यहाँ पर है एमडी ग्रेगोरियो। तो कप्तान की बात की जाए, कैप्टन है हमारा रोमेलू लुकाकू, वाइस कैप्टन है डिबाला। ये समझो कि मेरी टीम में 11 प्लेयर अभी है नहीं, इसको मत गिनो, आप समझो मेरी टीम में 11 प्लेयर है नहीं अभी, मैंने लेना है, क्योंकि इसकी जगह मैं किसको लूँगा, मैं स्ट्राइकर लूँगा या मैं मिडफील्डर लूँगा डिफेंडर लूँगा अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी चेंज करूँगा, ये प्रॉपर फाइनल टीम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।